नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। दूसरी बार लॉकडाउन की सख्ती से लोगों का टूटने लगा संयम। दुपहिया से डबल सीट जाती महिला को रोकने के बाद उसने पुलिस पर उतारा गुस्सा। पालघर जिले की आश्रमशाला के 30 छात्र और एक शिक्षक पाए गए पॉजिटिव, उन्हें ग्रामीण अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और कैसे करवाए 6 साल की दिल की मरीज कनक का इलाज, लॉकडाउन निकल गया पिता का रोजगार, भोजन का इंतजाम नहीं तो दवाएं कहां से लाए। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में दूसरी बार लॉकडाउन की सख्ती ने रोजमर्रा की जिंदगी का गणित ही बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके चलते लोगों के संयम का बांध टूटता जा रहा है और अब तो वे आपा भी खोने लगे हैं। इसकी ताजा तस्वीर तहसील पुलिस थाना अंतर्गत उस समय सामने आई जब डबल सीट बैठकर दुपहिया पर जा रही महिला को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। बताते हैं कि महिला का बैलेंस बिगड़ा और वह गिर पड़ी। उसके बाद उसने धारा प्रवाह में अपनी सारी खींच पुलिस पर उतारना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन के आदेश पर डबल सीट और बिना मास्क वाहन चलाने वालों की चेकिंग कर रही ट्रैफिक पुलिस ने जब दुपहिया पर सवार होकर जा रही दो महिलाओं को रोकने का इशारा किया तो वे गली से भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गली में पीछा कर पकड़ा तो क्या हुआ देखते हैं। इस संबंध में यातायात पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ने बताया कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने वाली इन महिलाओं पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। तेल बोलो, आरती बनो, बनो चालन कर, चालन 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 कर। अरे तुम्हारे सामने महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण की तीव्रता की मिसाल पालघर जिले में देखने को मिली है, जहां एक आश्रमशाला में पढ़ने वाले 30 छात्र और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नंडोरे गांव में संचालित इस आश्रमशाला के छात्रों को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में नंडोरे गाँव में संचालित शासकीय आदिवासी आश्रमशाला में कोरोना जांच के बाद एक शिक्षक सहित 30 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस आश्रमशाला में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं हैं। यहां कुछ छात्रों में प्रारंभिक लक्षण पाए जाने के बाद आश्रमशाला के कुल 193 छात्रों की जांच की गई। जांच के बाद 24 छात्राएं और 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल में 34 शिक्षक कार्यरत, जिनमें से एक शिक्षक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि इससे पूर्व जवाहर हिरटपाड़ा आश्रम स्कूल में भी शिक्षक सहित कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नागपुर में 6 साल की कनक के इलाज की राह में भी लॉकडाउन रोड़ा बन गया है। दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित इस बालिका के पिता चना चूड़ा बेचकर परिवार का गुजारा चलाते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाने से परिवार के खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में बेटी का इलाज कैसे होगा, यह चिंता पिता को खाए जा रही है। Thank you.
नागपुर के तेलीपुरा इलाके में रहने वाली 6 साल की बालिका कनक की कहानी आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कि हमारी दुआएं भी कनक के साथ है। कुदरत ने इस बच्ची को जन्म तो दिया लेकिन उसके दिल में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो सकी है। उसके पिता प्रवीण मेश्राम चनाचूड़ा बेचकर परिवार का गुजारा चलाते हैं। जब कनक की हालत बिगड़ी तो उसे मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लाया गया लेकिन मर्ज का निदान नहीं हो सका। यहां से उन्हें रायपुर के सत्यसाई अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई लेकिन रायपुर जाने और वहां ठहरने का खर्च करने की समस्या थी। इसी बीच उन्हें नागपुर में भाजपा कार्यकर्ता नितिन शिमले का साथ मिला। उन्होंने मदद कर कनक को रायपुर भिजवाया। रायपुर के सत्यसाई अस्पताल में दिल की बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है लेकिन जब कनक को लेकर उसके पिता वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने कनक को भर्ती करने से इनकार कर दिया। अस्पताल में नंबर लगने की आस में कनक के साथ उसके पिता ने लॉकडाउन के दौर में रायपुर में 2 माह तक फुटपाथ पर रातें गुजारी, दिन में चनाचूड़ा बेचकर पैसे कमाए और इंतजार किया लेकिन दुर्भाग्य पीछा करता रहा। आखिर वहां से लौटना पड़ा। 2 माह बाद जब लौटे तो 2 माह का मकान का किराया नहीं चुकाने के कारण मकान मालिक ने घर का सामान निकालकर फेंक दिया था। अब नागपुर में रहने को कोई मकान भी नहीं था। ऐसे में नितिन शिमले ने उनकी मुलाकात विधायक मोहन मते से करवाई। उनके अमूल्य सहयोग से एक बार फिर रायपुर के सत्यसाई अस्पताल में इलाज की राह आसान हुई। लेकिन आज कनक के पिता के सामने समस्या यह है कि वे 15 मार्च से लगे लॉकडाउन में कैसे कमाई करें। वे अब सड़क पर चना चूड़ा भी नहीं बेच सकते। बड़े होटलों को ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है लेकिन प्रवीण की तरह सड़क किनारे छोटा सा व्यवसाय करने वाले अब सड़क पर ठेला लेकर नहीं निकल सकते। ऐसे में एक बार फिर कनक के इलाज के लिए दिन रात एक कर परिश्रम करने वाले उसके पिता पर संकट का साया मंडराने लगा है। ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, कौन मदद करेगा, बेटी की सांसों की डोर को टूटने से बचाने की राह में आने वाली बाधाएं कब थमेगी, यह प्रश्न कनक के पिता के सामने है। बीकेबी न्यूज के लिए नागपुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। अभी आया है बोले तो इसको कोई इलाज करने के लिए लेके चले जाओ बोले। बच्ची को जब बुखार आया था तो उन्होंने बच्ची का चेकअप नहीं किया था, आपको नागपुर भेज दिया। हाँ, नागपुर भेज दिया था। तो फिर नागपुर में आपने बच्ची का इलाज कहाँ से करा? सुपर में लेके गए थे, वहाँ से मेडिकल में एडमिट करा है। मेडिकल में एडमिट कराने के बाद में वहाँ पे 1.5 महीना एडमिट रही। 42 इंजेक्शन लगने के बाद में उसका वो रिएक्शन हट गया। 42 इंजेक्शन? हाँ, 1.5 महीने में। 1.5 महीने? हाँ, 42 इंजेक्शन लगाने के बाद में आईसीयू में। क्या मांग है अभी अपने? बस कि मेरे को ऐसे जैसा उन लोगों ने बोले कि मुंबई जाओ, तो मेरे को मुंबई में मैं अभी सहायता मेरे को बोलना ना, वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे कैसा खर्चा लगता, क्या लगता, वहाँ पे रहने की सुविधा है मेरी नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक तो लॉकडाउन लग गया, मैं ठेला चला था, यहाँ पे पुलिस वाले मेरे को लगाने नहीं दे रहे। ठेला चला था तो वहाँ से वापस भेज देते। हाँ, कहाँ पे रहता है? इधर रहता सर, उधर ही जाओ, उधर ही धंधा करो। एक ही बस्ती में, छोटी सी बस्ती है ये भी, कोई धंधा तो इधर में होता नहीं। थोड़ा रोड पे जाऊँगा, बाहर निकलूँगा तो 2 पैसे कमाऊँगा ना। और आपको दुकान भी लगाई? दुकान में लगाने नहीं दे रही है, यानी रास्ते में रोक दे रहे हैं। फिर उसके बाद अभी घर का मेंटेनेंस वगैरह भी उसी के बदौलत पे, बच्ची की दवाई वही भी लाना पड़ता। इसका कैसा, फिर ये दवाई दूंगा जब भी इसका थोड़ा हार्ट ये करेंगे उसके वजह से। आप जो घर में रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है? नहीं नहीं, मेरे को ये नितिन भाऊ जो है शिमले, उन्होंने अपने को ऐसी फ्री में रहने के लिए जगह दी है। मेरा एक किराए का घर था तो वहाँ पे बहुत रेंट हो गया था, मैं 2 महीने पिछले उधर रहा था रायपुर में, उसका बहुत सारा किराया हो गया था तो घर मालिक ने सामान निकाल दिया था। मेरा रहने के लिए जगह नहीं थी, मेरे को नितिन भाऊ शिमले ने फिर एक रूम दिए। अब वो रूम का थोड़ा सा ये हो गया तो फिर मेरे को ये झोपड़ा दिए। अभी दिन से आप यहाँ पे रह रहे? अभी 1.5 महीना हो गया। तो उसने फिर ये नितिन भाऊ शिंदे से मिला है, अपने शिमले भाऊ से मिला है, तो फिर उन्होंने अपनी सहायता कर दी है। मोहन भाऊ की तरफ में, हाँ, श्री
श्री साई सत्य संजीवनी अस्पताल में। आप वहाँ गए थे? हाँ गए थे ना। वहाँ जाने के बाद इलाज हुआ बच्ची का? इलाज होने के लिए गए थे पर लेकिन वो आप हुआ नहीं। उन लोगों ने बोले कि आप ही फोन करेंगे, महीना भर के बाद फोन करेंगे। दो महीने तो वहाँ रह ली हमने। दो महीना आप वहाँ थे तो आपने दो महीने तक वहाँ पे फिर क्या किया? क्योंकि पैसे की तकलीफ आपको हुई होगी वहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे मैंने कच्चा चिवड़ा पिंगर का दुकान लगाया था, जो पैसे मेरे को ये भाव लोगों ने जाने के लिए दिए थे कुछ पैसे बचे थे उसमें से। तो नितिन भाव शिमले अनुपता वाले इन लोगों ने जो पैसे दिए थे मेरे को वहाँ पे जाने की सहायता करे थे, उसके माध्यम से फिर मैंने वहाँ पे अपने पिंगर की दुकान वगैरह खोला था, उससे मेरा खर्चा चल जाता था। तब आपकी बच्ची को वहाँ पे एडमिट नहीं किया? एडमिट किए थे, 25 दिन रखे अंदर। वो भी बोले आयुष्मान कार्ड लाओ, फिर ये लाओ, फिर वहाँ के फिर वहाँ से फिर बोले हम वहाँ पे फ़ोन लगाएंगे, बोले महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ के गवर्नमेंट कुछ सहायता नहीं करने के लिए तैयार नहीं थी, वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट सहायता करने के लिए तैयार नहीं थी करके उन्होंने। रायपुर जैसे छोटे से शहर के अंदर में मैंने दो महीने एक तकलीफ के दिन निकाल दिया। अब मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ जाऊँ कैसा? और वो ठेला चला के एक पिंगर विंगर ये सब बेच के अपना दिन गुजारा करता। रहने की व्यवस्था भी हमने उसकी कराए। आगे अगर वो मुंबई जाएगा तो वहाँ तो भटक जाएगा। तो बस इसकी कहीं से भी मदद हो जाए तो हमारे माननीय आमदार साहब इनकी मदद करने के लिए तैयार है। सारी मदद के लिए बिल्कुल भाव हमेशा तत्पर रहे और सभी के लिए रहे। ओन बाबू लेकिन नितिन इनको अपन मुंबई भेज देंगे, वहाँ पर इनका जो भी प्रॉपर है इलाज करा देंगे। बस इसका इलाज हो जाए, इससे ऊपर हमारे को कुछ भी ये नहीं। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के पास अरबर जिन रेस्टोरेंट एंड बार पर रात 1 बजे छापामार कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने 245 लोगों पर नियम विरुद्ध संख्या में एकत्र होने तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना ठोका है। मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण बीएमसी की ओर से नागरिकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण बीएमसी ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ताज़ा कार्रवाई मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के पास अरबर जिन रेस्टोरेंट एंड बार में की गई। रात के 1 बजे हुई इस कार्रवाई में कुल 245 लोगों पर जुर्माना ठोका गया। इन सभी लोगों ने न तो मास्क पहना था और न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। चार दिन की छुट्टी रहने के बाद बैंकों में जब कामकाज शुरू हुआ तो नागपुर में बैंकों के बाहर ग्राहकों का सैलाब नजर आया। अपना काम जल्द होने के चक्कर में यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बैंकों का 4 दिवसीय अवकाश समाप्त होने के बाद नागपुर में जब बैंक खुले तो ग्राहकों की भारी भीड़ विविध बैंकों में टूट पड़ी। कोरोना के तीव्र संक्रमण काल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है, वही बैंकों में इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कल ही नागपुर महानगर पालिका परिसर में मौजूद बैंक ऑफ इंडिया पर नियमों की अवहेलना किए जाने के कारण 5,000 का जुर्माना ठोका गया था। बैंक में भीड़ देखकर महापौर स्वयं लोगों को सावधान करने वहां पहुंचे थे।
इसके बावजूद बैंकों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई नियोजन नजर नहीं आ रहा था। अपनी ही नाबालिग पोती के साथ दुराचार करने वाले कलियुगी दादा को यवतमाल जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग गर्भवती हो गई थी और उसने एक शिशु को भी जन्म दिया है। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण अनाथ हुई 11 वर्षीय नाबालिग अपने दादा की छत्र छाया में भी सुरक्षित नहीं रही। उसका बूढ़ा दादा ही उसे रोजाना हवस का शिकार बनाता रहा। जब छात्रा गर्भवती हुई तो उसने अपने दादा की सारी करतूत उजागर कर दी। इस नाबालिग ने एक शिशु को जन्म दिया है। उसका डीएनए परीक्षण कराए जाने पर वह दादा के डीएनए से मैच हो गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए यवतमाल के जिला न्यायालय ने हवसखोर दादा को आजन्म कारावास की सजाएं सुनाई है। यह घटना घाटंजी तहसील के बेलोरा गांव की है। नमस्कार, आज रोजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री मोहिनुद्दीन साहेब यांच्या कोर्टात आज एक महत्त्वाचा चुकादा साहेबांनी दिला आणि समाजात एक चांगला उदाहरण पसरवलं। आरोपी हे पीडित मुली जी 11 वर्षाची मुलगी होती आणि ते आरोपी पीडिताची आजोबा होते आणि ते जेव्हा दुसरीकडे राहत होते आणि पीडिताची आई वारली होती आणि पीडिताचे वडील जिवंत होते। त्यावेळी पीडिता आणि त्याची तिची लहान बहीण ते आजोबाकडे म्हणजे आरोपीकडे व्हॅकेशनमध्ये उन्हाळ्याच्या व्हॅकेशनमध्ये राहायला गेली। तेव्हा आरोपीने पीडितासोबत वारंवार जबरीने संभोग केला। त्यानंतर पीडिता आणि तिला सांगण्यात आलं की तू कुणाला काही सांगू नको, त्यामुळे पीडिताने कुणाला काही सांगितलं नाही। त्यानंतर पीडिता आपले वडिलासोबत आपल्या घरी आली आणि त्यानंतर तिचे वडीलसुद्धा वारले। म्हणून आजोबा आरोपी जे आहे ते पीडितासोबत राहायला त्यांच्या पीडिताच्या घरी आले बेलोरा गावी आणि तिथे राहून ते रोजच पीडितासोबत वारंवार संभोग करत होते आणि त्यामुळे पीडिता ही गर्भवती झाली। परंतु ती 11 वर्षाची मुलगी असल्यामुळे तिला काही समजे नाही आणि ते एकदा शाळेत चक्कर येऊन पडली आणि त्यानंतर गावातील सरपंच तिने पीडिताची टेस्ट केली, ती प्रेग्नन्सी टेस्ट पट्टीद्वारे केली। त्यावेळी त्यांनी तिला कळलं की ती प्रेग्नंट आहे आणि त्यानंतर पीडिताची आईची आजी जे तक्रारदार आहे या प्रकरणात तिला सांगण्यात आलं। त्यानंतर सरपंच व पीडिताची आजी पीडिताच्या घरी गेले। त्यावेळी आरोपी शेतात गेले असल्यामुळे पीडिताला प्रेमाने सांगितलं सरपंच आणि आजीने आणि त्यामुळे ती घाबरून तिने सांगितलं की माझ्यासोबत माझे आजोबाने असे वारंवार संभोग केला आणि त्याच्यानंतर तिच्या पीडिताला घेऊन तिची आजी पोलीस स्टेशन घाटंजी येथे रिपोर्ट दिलं आणि रिपोर्ट दिल्यानंतर गुन्ह्याची तपास करण्यात आली आणि त्या दरम्यान पीडिताने एक मुलीला जन्मसुद्धा दिले। त्याची डीएनए चाचणी करण्यात आली, आरोपीच्या रक्ताचा नमुना घेतला, पीडिताचा नमुना ब्लडचा नमुना घेतला आणि ते मुलगी झाली नवीन नवजात बाळ तिचा सुद्धा ब्लडचा सॅम्पल घेऊन डीएनए टेस्ट करण्यात आले। डीएनए टेस्ट आरोपीचे मुलगी आहे असं आरोपी आणि पीडित हे बायोलॉजिकल माता पिता असे आई वडील असे रिपोर्टमध्ये आलं आणि त्याप्रमाणे पूर्ण रेकॉर्ड दाखल करण्यात आला कोर्टात। ते आणि या केसच्या सुरुवातीचे तपास अधिकारी पुरी आर के पुरी साहेब होते आणि त्यानंतर डीएनएची तपासणीसाठी आणि पीडिताला मुलगी झाली त्याबद्दलची जी तपासणी केली ते पोलीस इन्स्पेक्टर साहेब भुजाडे साहेब यांनी केली आणि असे करून पीडिताला मोहिनीदीन साहेबांनी सगळे साक्षीदार तपास आणि सरकारकडून 7 साक्षीदार तपासणी करण्यात आलं। त्यामध्ये पीडिताची आजीची तसेच वैद्यकीय अधिकारीची साक्षी महत्त्वाची ठरली आणि यावरून मोहिनीदीन साहेबांनी आज रोजी चुकादा दिला। त्यामध्ये आरोपीला आमरण जन्मठेपची सजा तसेच 5,000 रुपये दंड न भरल्यास 6 महिन्याची सक्त मजुरीची सजा अशी ठोठविण्यात आली आणि एक चांगला उदाहरण समाजात बसविण्यात आला। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील द्वारा मीडिया में आरक्षण संबंधी दिए गए वक्तव्य को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं।
मैंने जो कहा वह विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल द्वारा मीडिया में आरक्षण संबंधी दिए गए वक्तव्य को झूठा बताते हुए महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बतौर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 102वें संविधान संशोधन के बाद महाराष्ट्र की स्थिति पर जो वक्तव्य दिया उसी को मैंने विधानसभा में कहा। इसलिए मेरा चंद्रकांत दादा पाटिल से निवेदन है कि वे इस विषय पर गलत वक्तव्य नहीं दें। चंद्रकांत दादांना मला हात जोडून विनंती करायची आहे की त्यांनी जे विधान मगाशी माध्यमांवर केलेलं आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर केलेलं आहे, ते दादांत चुकीचं आहे, खोटं आहे आणि समाजाची दिशाभूल करणार आहे। मी सभागृहात मी कधीही म्हणालो नाही की 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत असं मी कधी म्हणालेलो नाही। मी सभागृहात जे बोललो ते रेकॉर्डवर आहे। स्पष्टता एवढी त्याच्यामध्ये आहे की अटॉर्नी जनरल जे केंद्राचे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात पहिल्या वेळेस काय म्हटलेलं आहे ते मी सभागृहाला सांगितलं। म्हटलं त्यांचं म्हणणं असं आहे की 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, हे विधान केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून अटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केल्याचं आपल्याकडे रेकॉर्ड आहे। मी फक्त बोलतो म्हणून नव्हे तर हे ते रेकॉर्ड जे आहे मी समोर दाखवू शकतो आणि सुप्रीम कोर्टात झालं सुनावणी तर जगजाहीर आहे, सगळ्यांना माहितीच आहे। त्यामुळे दादांनी असं खोटं बोलू नये। आमची भावनाच ही आहे की 102वी घटना दुरुस्ती आम्हाला लागू होणार नाही। आमचा कायदा जो महाराष्ट्रात केला गेलेला आहे तो सर्वांनी मिळून मराठा आरक्षणाचा कायदा केलेला आहे आणि त्यालाही घटना दुरुस्ती लागू नये अशीच आमची प्रामाणिक भूमिका आहे। आणि त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट करणार आहोत की आम्हाला हा कायदा लागू होणार नाही, आम्हाला 102वी घटना दुरुस्ती का प्रश्न नाही आहे, आम्हाला आरक्षण आम्ही जे केलंय कायद्यान्वये केलेलं आहे, नियमाप्रमाणे केलेलं आहे आणि घटना दुरुस्ती जे अटॉर्नी जनरल म्हणतात ते आम्हाला मान्य नाही आहे, हीच आमची भूमिका आहे। परंतु अटॉर्नी जनरलनी तिकडे एक म्हणावं आणि दादांनी विपर्यास करून तिथे काहीतरी वेगळं सांगावं, मला विनंती करायची कृपया मराठा आरक्षणाचा विषय हा राजकारणाचा विषय नाहीये, लोकांच्या भावनेशी खेळू नका, लोकांची दिशाभूल करू नका, लोकांना खोटं बोलू नका। आणि जी वस्तुस्थिती आहे जी रेकॉर्डवर आहे, मी जे बोललो विधान हे टेलिव्हिजनवर आहे, मी जे बोललो ते सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आहे आणि अटॉर्नी जनरल काय बोलले कोर्टाच्या रेकॉर्डवर आहे। हे तिन्ही डॉक्युमेंट मी तुम्हाला दाखवू शकतो। कृपया आपण सन्मान्य ज्येष्ठ नेते आहेत भाजपाचे, तर कृपया चुकीची विधानं करून लोकांची दिशाभूल करू नका अशी हात जोडून विनंती, एकत्र मिळून हा लढा यशस्वी करूया एवढीच हात जोडून विनंती आपल्याला। नागपुर की कई टेस्टिंग लैब में कोरोना निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट देने को लेकर बड़ा भारी फर्जीवाड़ा होने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीकांत शिवनकर ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। उन्होंने इस संबंध में कुछ सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। यह कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति हैदराबाद में मौजूद हो और ठीक उसी समय नागपुर की कोई लैब उसके सैंपल लेकर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दे रही हो, लेकिन नागपुर में कुछ ऐसा ही गोरख धंधा कुछ प्राइवेट लैब द्वारा चलाए जाने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीकांत शिवनकर ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। उन्होंने इस संबंध में कुछ सबूत प्रस्तुत करते हुए नागपुर की प्राइवेट लैब की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे नागपुर महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात कर यह सारे सबूत देने वाले हैं। सर हो सकता है, आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश में ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन इन सब लूपहोल्स के कारण ये ऐसी निगेटिव रिपोर्ट्स को पॉजिटिव बता अगर ये रहे होंगे तो ये सारा रिकॉर्ड ICMR को जाता है और साथ में महानगर पालिका को भी दिया जाता है, तो ये रिकॉर्ड के बेसिस पर महानगर पालिका अपने आंकड़े सर्वसामान्यों तक पहुंचाती है। अमरावती में जिस तरह गूगल पे ट्रांसफर अमरावती में जिस तरह से एक मामला सामने आया था जहां पर बीमा पैसे के लिए जो है वो पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, ऐसा ही कुछ नागपुर में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है सर, अमरावती में कुछ अलग हुआ होगा और नागपुर में कुछ अलग नहीं हो रहा होगा, इस बात का हम प्रमाण नहीं दे सकते कि नहीं हुआ होगा। जब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये जब हम लोगों ने एक शिकायत के ऊपर में जब हम लोगों ने हमारे एंड से इन्वेस्टिगेट किया तो मामला सामने आया, तो ऐसी कई केसेस होगी, लोगों को पता भी नहीं कि वो पॉजिटिव कभी थी। नगर पालिका ने राज्य सरकार या संबंधित फेल है असं तुमचं म्हणणं आहे? माझं एवढं म्हणणं असं आहे की आपल्या ज्या संसर्गजन्य रोगांचा जो कायदा आहे 1897 चा, त्याप्रमाणे
जेवढ्याही स्वराज्य हे आहे लोकल बॉडीज त्यांना हे पूर्ण अधिकार दिलेले आहे की कुठल्या प्रकारे अशा पॅन्डेमिकला नियंत्रण करायचं, काय नियोजन करायचं, हे काम महानगरपालिकेचं आहे, हे पूर्ण कर्तव्य महानगरपालिकेचं आहे आणि त्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. याआधी आम्ही राष्ट्रवादीकडनं बरेच निवेदन आम्ही महानगरपालिकेला दिलेलं आहे पण त्यांनी कधीच या बाबी गांभीर्याने घेतलेल्या नाही आहे आणि त्याचेच आज सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसून येतात. पुढची भूमिका काय असणार? व्यक्ती जे आहे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट देत आहे, मग पैसे घेऊन जे आहे निगेटिव्ह रिपोर्ट देत आहे, काय पूर्ण प्रकार आहे? सर आमच्याकडे राष्ट्रवादीकडे सर हिंदी बोला सर हिंदीमध्ये जी मैं श्रीकांत शिवणकर प्रवक्ता राष्ट्रवादी. आज यहाँ पत्रकार परिषद में मैं हम लोगों ने कुछ खुलासे किए. कुछ दिनों पहले हम लोगों को एक शिकायत मिली हमारे उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष विशाल जी खांडेकर, इन्हें एक तकरार शिकायत प्राप्त हुई जिसमें ये कहा गया कि उनसे पैसे लेकर उनकी रिपोर्ट निगेटिव दी गई है. हालांकि वो कभी पॉजिटिव थे ही नहीं, लेकिन उनको पहले पॉजिटिव बताकर उनसे पैसे उठे गए. इस संदर्भ में जब उन्होंने सारी चीज़ों का मुआयना किया तो ये पता चला कि जो व्यक्ति थे वो 11 तारीख को उन्हें दुबई जाने के कारण दुबई जाने के लिए उन्होंने 11 तारीख को बायोपैथ से अपना सैंपल देकर कोरोना के लिए टेस्ट की. 11 तारीख को टेस्ट के सैंपल्स देने के बाद उन्होंने उनसे बात की और उनको बायोपैथ से बताया गया कि डरने की कोई बात नहीं, वो निगेटिव हैं. वो बिहार पर उनकी बातों में आकर वो उसी दिन हैदराबाद निकल गए क्योंकि उन्हें 12 तारीख को दुबई के लिए फ्लाइट पकड़. नागपुर RPF ने नई दिल्ली से आ रही विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में एक गुमशुदा महिला को खोजने में सफलता प्राप्त की. उसे रिपोर्ट के आधार पर इंदौर RPF के सुपुर्द किया गया है. इंदौर RPF कार्यालय से मिली सूचना और फोटो के आधार पर नागपुर RPF ने नई दिल्ली से आ रही विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से एक गुमशुदा महिला को खोज निकाला है. RPF नागपुर के थाना प्रभारी RL मीणा ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि करीब 23 से 24 वर्षीय यह महिला घुग्गुस निवासी फौजिया बानो मुश्ताक कुरैशी है, किंतु इंदौर RPF में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने से पुलिस ने उसे आगामी जांच के लिए इंदौर RPF थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह कुशवाहा के सुपुर्द किया है. दिनांक 17/3/2021 को सीनियर DSC भोपाल SPGRP भोपाल की तरफ से सीनियर DSC नागपुर श्री आशुतोष पांडे साहब को एक मैसेज मिला कि एक महिला जिसके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है शामगढ़ में, वो महिला दिल्ली से किसी भी ट्रेन में नागपुर से गुजरने वाली है. इसी सूत्र मिलने पर सीनियर DSC नागपुर श्री आशुतोष पांडे साहब ने RPF थाना नागपुर में सूचना देने पर RPF स्टाफ द्वारा उक्त दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को नागपुर स्टेशन पर चेक किया गया, जिसमें GT एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को चेक किया गया. तो GT एक्सप्रेस में तो कोई मिली नहीं और व्हाट्सएप पर जो फोटो मिली उसके अनुसार फिर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 2806 को नागपुर स्टेशन पर चेक करने पर ये महिला B3 में 44 नंबर पर बैठी हुई मिली, जिसको फोटो को मिलान करके हेड कॉन्स्टेबल उषा तिगा की मदद से नीचे उतारा गया और पूछताछ के लिए उसको RPF थाना नागपुर में लेकर आए. सर कहाँ से मिसिंग हुई थी ये? उसकी पूछताछ में पता चला कि इसके घर वालों के साथ अजमेर गई हुई थी, तो अजमेर से वापस आते समय ये जयपुर के आसपास कहीं मिसिंग हो गई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट इन्होंने श्यामगढ़ GRP इंदौर डिवीजन में दर्ज कराई थी. और सर क्या उम्र होगी इसकी, इस लड़की की, और ये नागपुर की रहने वाली है या बाहर की? उम्र इसके अंदाजन 23 या 24 के आसपास है, लेकिन ये घुघुस चंद्रपुर की रहने वाली है. तो सर अभी इसको मतलब घर वालों के हस्ते दे दिया इसको? नहीं, इस संबंध में वापस फिर मैंने GRP इंदौर से कोऑर्डिनेशन करके GRP इंदौर की ASI थाने RPF थाना नागपुर में उपस्थित होने के बाद उनको अगली जांच हेतु सुपुर्द किया गया है. तो खबरों के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ. नमस्कार.